बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर एसएसटी बुक ऑन पेज नंबर 14। अच्छा तो स्टूडेंट्स, हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने मैनर्स, माइंड योर मैनर्स के बारे में स्टार्ट किया था, लेसन नंबर 5th। अच्छा तो हमने बहुत सारे मैनर्स पढ़े हैं, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या करना है, उन मैनर्स को फॉलो करना है, ठीक है। और साथ में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इन मैनर्स के बारे में बताएं, ताकि वो भी इन रूल्स को फॉलो करें और हम एक हैप्पी सोसाइटी में रहे, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे आप लोग देखें, हमारे साथ है व्हेन ही, ये दिखे आप लोग पहले पेज के पिक्चर की तरफ देखिए। पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि एक स्टूडेंट बैठा है, ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट आया है। अब हम देखते हैं कौन इनके साथ कैसे बात करता है, ठीक है। आप लोगों ने फिर अपने फ्रेंड के साथ ऐसी ही बात करनी है, ठीक है, क्योंकि हम मैनर्स सीख रहे हैं ना, तो ये भी मैनर्स में आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही बात करनी है। अच्छा तो व्हेन ही गोज टू सिट ऑन हिज चेयर, आदिल कहा गया, आदिल अपने सीट की तरफ चला गया। एंड अच्छा, व्हेन ही गोज टू सिट ऑन हिज चेयर, ठीक है, ही फाइंड्स ताहा'स बैग ऑन द चेयर्स। आदिल सेज टू ताहा, एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज़ पुट योर बैग असाइड। ये देखिए, आदिल जब अपने सीट की तरफ चला गया तो उसकी टेबल पे, उसकी चेयर पे किसका बैग पड़ा था? ताहा का बैग पड़ा था उसकी चेयर पे, ठीक है। आदिल ने क्या कहा? आदिल ने बहुत मुअज्जब तरीके से कहा ताहा से, एक्सक्यूज़ मी, बेटा आपने अगर किसी से बात करनी है तो आप लोगों ने ये ज़रूर कहना है एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। क्या कहना है आप लोगों ने? आप लोगों ने एक्सक्यूज़ मी कहना है। कैन यू प्लीज़ पुट योर बैग असाइड, और फिर इससे बाखलाक तरीके से ये भी कहना है, जैसे कि आदिल ने कहा, कैन यू प्लीज़ पुट योर बैग असाइड। आदिल ने उनसे कहा कि कैन यू प्लीज़, क्या आप अपना बैग साइड पे कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ताहा उसे क्या कहता है। आप लोगों ने भी ऐसी ही तरीके से आराम से लोगों से बात करनी है, और साथ में प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, और जो मैंने आपको बताया था थैंक यू, इन वर्ड्स का आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे मैनर्स में है, हम मैनर्स सीख रहे हैं, तो आप लोगों ने ये बातें लाजमन अपने डेली रूटीन में यूज़ करने हैं। ताहा सेज, अब ताहा देखते हैं कि ताहा क्या कहते हैं। ओह आई एम सॉरी, ताहा ने क्या कहा? ताहा ने कहा ओह आई एम सॉरी, ताहा ने सॉरी किया। ही पिक्स अप हिज बैग, और उसने अपना बैग उठाया, ठीक है। आदिल थैंक्स हिम, सिट्स ऑन द चेयर एंड स्टार्ट डूइंग हिज वर्क। आदिल ने किसको थैंक किया? आदिल ने ताहा को क्या बोला? थैंक्स हेम, आदिल ने उसे थैंक यू कहा। एंड सिट्स ऑन चेयर एंड स्टार्ट डूइंग हिज वर्क, और उसने अपना काम जारी किया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि ताहा और आदिल की कन्वर्सेशन आप लोगों ने सुन ली ना, उन्होंने एक दूसरे के साथ ये देखे, एक्सक्यूज़ मी का वर्ड भी यूज़ हुआ है हमारे साथ, प्लीज़ का वर्ड भी यूज़ हुआ है हमारे साथ, इधर देखिए सॉरी का वर्ड भी हमारे साथ यूज़ हुआ, और थैंक्स का वर्ड भी हमारे साथ यूज़ हुआ। तो आप लोगों ने बेटा ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप लोगों ने अपने मैं अपने डेली रूटीन में क्या करने हैं, यूज़ करनी है, आप लोगों ने इनको फॉलो करना है। इससे क्या होगा? इससे हम एक अच्छे शहरी, एक अच्छा सिटीजन बनेंगे इंशाल्लाह, और हमारा जो दूसरे भी लोगों पर भी जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो भी अच्छा पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज की क्लास की समझ आई हुई होंगी। नाउ थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।